सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी ऑल्सो गोइंग वेल। सो अभी 4:03 हो चुके हैं एंड मैं उठ चुका हूँ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। अब आपको मेरे डेली ब्लॉग्स 7 बजे देखने को मिलेंगे। सुबह 7 बजे आप लोग मेरे ब्लॉग देख सकते हो, तो ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो अपने पानी को भरते हैं एंड पानी पीते हैं, क्योंकि मटकी से पानी भरना होता है। एंड पानी पीने के बाद सबसे पहले तो घूमूंगा थोड़ा सा, एंड घूमने के बाद फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूंगा। तो बाहर थोड़ा सा गेट खोल के ही देखा तो काफ़ी अंधेरा था, एंड अंधेरा देखते हुए फिर मैंने सोचा चलो ठीक है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। अंधेरा तो है ही, जल्दी सवेरा हो जाएगा, फिर इस वजह से फटाफट से बैठ गया एंड अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया मैंने। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले पढ़ रहा हूँ तो मैं सोशल इशूज यानी कि सोशल सोसाइटी में कंप्लीट कर रहा हूँ। सोसाइटी जो है हमारा GS2 में आता है एंड इसको कंप्लीट करूँगा सबसे पहले, तो क्योंकि इसको मैंने पूरी बुक मुझे कंप्लीट करनी है यानी सोसाइटी की 10 जुलाई तक। एंड जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है एंड उसके बाद 5:23 हो चुके हैं। बाहर जाके देखा तो काफ़ी ज़्यादा अब अंधेरा बिल्कुल भी नहीं है। एंड उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने ब्रश के लिए निकल गया अपना टूथपेस्ट लेके, जो कि क्लोजअप लिया एंड तैयार हुआ। तैयार होने के बाद तेल लगाया एंड तैयार होने के बाद मैं निकल गया अपने हवन करने के लिए, क्योंकि हवन के लिए सब लोग पहुँच चुके थे एंड मैं लेट हो गया था। तो फिर मैं पहुँचा हवन करने के लिए, हवन किया एंड हवन करने के बाद फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। एंड टाइम तो हो ही चुका था, मैंने कैमरा सेट कर दिया, कैमरा सेट करके बस लग गया अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तब तक मेरा ब्लॉग भी आ चुका है, अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो लास्ट ब्लॉग को ज़रूर देखें, वो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो 7 बजे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया एंड मैं एथिक्स पढ़ रहा था इस टाइम पर। एथिक्स भी मुझे 10 जुलाई तक थोड़ी बहुत तो रह जाएगी मान लो, क्योंकि क्लास भी कर रहा हूँ, तो साथ में इसको एथिक्स की बुक पढ़ी एंड फिर अपनी क्लास को भी कंटिन्यू किया। वैसे क्या है, क्लास की अगर मैं एथिक्स को पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में कम आती है, इस वजह से मुझे क्लास तो करनी पड़ेगी। तब तक देखा तो मेरा दूध भी आ चुका था, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है एक बार दूध पी लेते हैं एंड इसमें अपना जो भी मेरा डाइट प्लान है उसको डालते हैं। एंड इसको घोलने के बाद दोनों को पिया मैंने अच्छे से एकदम फेंट के, एंड उसके बाद फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, क्योंकि मेरा तब तक न्यूज़पेपर आ चुका था। एंड न्यूज़पेपर आप लोग जानते हैं कि मैं अब जो हार्ड कॉपी लेना स्टार्ट कर दी है एंड अब मैं डेली न्यूज़पेपर जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ एंड PDF में कभी कभी देख लेता हूँ द हिंदू भी। तो कभी कभी जैसे कोई भी ऐसा आर्टिकल होता है जिसको मैं हाईलाइट करना होता है तो हाईलाइट भी करता हूँ, तो आप लोग भी हाईलाइट किया करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था कि आज राजू भैया का बर्थडे है, तो उसमें हम लोग जाएंगे एंड सुबह सुबह हवन होना है एंड साथ में खाना भी है सबके लिए, मतलब यानी कि आज का लंच है, तो इसीलिए फिर हम लोग जा रहे हैं। पति तैयार हो गई है, मंजीत भी, मैं और इधर तैयार हो गए हैं बस सब लोग, एंड इसके बाद निकलते हैं यहाँ से फटाफट से पहुँचते हैं। तो आज भैया का बर्थडे था और बर्थडे मनाया हम लोगों ने, एकदम सेलिब्रेट हो चुका है। रख ले पहले मार रहा है वैसे ही, तो बड़े भैया है ये हमारे राजू भैया, पहले भी देखे होंगे ब्लॉग में, ठीक है। तो बर्थडे हो गया, मजा आ गया एकदम, खाना वाना खा के तैयार अब जा रहे हैं बस घर। मेरा छोटा भाई है, से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बढ़िया से फॉलो करो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, धन्यवाद। तो यूथ को आगे बढ़ाने की जरूरत है, अपने संतान को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, धैर्य वो अपने जीवन में बहुत खर्च करेंगे एंड आर्य समाज को बढ़ाने का काम करेंगे। तो अपने आर्य समाज के विचारों को यहीं तक सीमित ना रखते हुए इसको आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में लाए, अपने बच्चों को एंड इस देश के एक एक बच्चे के जीवन में डालने का काम करें। फ्रेंड्स आज मैं थक चुका हूँ थोड़ा सा, तो सबसे पहले थोड़ी सी नींद लेते हैं एंड उसके बाद फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सो लेते हैं, क्योंकि आज वैसे ही मैं कम सो पाया था, रात को लेट सोया था इस वजह से एंड जल्दी सुबह उठ गया। तो थोड़ा सा नींद लेने के बाद, सोने के बाद फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 6 मुझे कंप्लीट करनी है एंड सोशल इशूज सोसाइटी कंप्लीट करनी है 10 तारीख तक, तो 10 जुलाई तक कंप्लीट करना है, तो जल्दी तो करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले सोते। सो फाइनली बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद एंड आराम करने के बाद मैं आ गया अपनी स्टडी टेबल पर एंड स्टडी स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ी एंड क्योंकि मैं आज आंसर राइटिंग कर रहा हूँ ज्योग्राफी की, एंड साथ में फिर आंसर राइटिंग करने लग गया। आंसर राइटिंग कर ही रहा था कि शाम हो गई काफ़ी ज़्यादा एंड शाम होने की वजह से मैं निकल गया बाहर, और बाहर जाके देखा तो मैंने सोचा चल ठीक है अपना वजन तोलते हैं, कितना वजन है मेरे अंदर। तो मैंने तोला तो मुझे पता चला कि 61 किलो 900 ग्राम वजन था, यानी कि जनवरी की बात करूँ तो उस टाइम पर मेरा 54 kg वजन था, लेकिन अभी 61.900 ग्राम मेरा वजन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इसी वजह से मुझे जिम जाना पड़ रहा है। सो डेली अगर मैं वर्कआउट करूंगा एंड साथ में एक्सरसाइज करूंगा तो फिर मेरा वजन जो है बिल्कुल घट जाएगा एंड मेरा शरीर जो है बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है जिस टाइम पर मैं वर्कआउट करने के बाद देखता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्कुल पसीने में नहा चुका था एंड आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में करके कि मैं पसीने में कैसे नहा चुका था, मतलब मेरी हालत ख़राब हो जाती है जिस टाइम पर जिम करके मैं हटता हूँ, तो क्योंकि इसी वजह से मैं शाम को जाना स्टार्ट किया है, क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बस
एंड मैं जब गया तो बाहर निकला था, बाहर निकल के मैंने देखा कि मुझे जूस भी पीना है, तो जूस पिया सबसे पहले। जूस पीने के बाद मैंने देखा कि इधर ये क्या घूम रहा है, लेकिन मैंने बाद में पता चला कि ये तो फ्रूट्स की आइसक्रीम है। मैंने कहा चलो ठीक है एक प्लेट दे दो, तो उन्होंने एक प्लेट जो दी थी लेकिन 30 रुपये की पड़ी थी, लेकिन ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लगी मुझे। उसके बाद घर आया, घर आके देखा तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी, एंड आजकल दिल्ली में जो है गर्मी की काफ़ी ज़्यादा समस्या है, एंड गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है सबसे पहले तो बालों को संभालते हैं, एंड उसके बाद निकलते हैं अपने नहाने के लिए, क्योंकि शाम को नहाना बहुत ज़रूरी है। जब वर्कआउट करके आते हैं तो शरीर पूरा चिपचिपा हो जाता है एंड चिपकने लग जाता है इस वजह से। तो मिलता हूँ नहाने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UPSC क्लियर करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि UPSC के लिए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन एंड विद गुड फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से एक बार UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा PW Only IS, जो कि अभी 3 जुलाई से 8 जुलाई तक PW लेकर आया है मेगा ऑफर्स गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, एंड अभी इनके सभी बैचेज पर वेरी हाई डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि प्रहार बैच 2024 के लिए इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम 7,499 रुपये में मिल रहा है, एंड संकल्प 2025 के लिए इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम 9,499 में मिल रहा है, जो कि स्टार्ट हो चुका है 12th जून को। एंड टाइटन 3.0 जो कि 2024 के लिए इंग्लिश मीडियम का बैच है, जो कि 7,499 में 3rd जुलाई को स्टार्ट हो चुका है। सो टाइटन 3.0 की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं 3rd जुलाई से, एंड इसकी 3 क्लासेज फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, वो आप लोग देख सकते हैं जाकर। हर एक UPSC एस्पिरेंट को एक बात पता है कि UPSC का एग्जाम क्लियर करने के लिए, अच्छी रैंक के लिए ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसी बात को देखते हुए PW अभी लेकर आया है ऑप्शनल बैचेज वेरी अफोर्डेबल प्राइजेज में, एंड साथ ही PW का कॉम्बो अवेलेबल है जिसमें मेंस का बैच एंड ऑप्शनल का बैच दोनों 8 जुलाई तक आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। एंड अगर आप चाहते हैं आपकी कंप्लीट 360 प्रिपरेशन हो, सो 4,999 में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी PW के साथ। इसमें आपको मिलेंगी बेसिक ऑफरिंग्स एंड प्रीमियम ऑफरिंग्स। अपने गोल को अचीव करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, सो अपने गोल को अचीव करने के लिए आप अपनी UPSC प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर सकते हैं PW के साथ। आप PW का कोई भी बैच परचेज करने के लिए मेरे कूपन कोड RAN500 का यूज करें एंड पाएं एक्स्ट्रा डिस्काउंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो फ्रेंड्स मैं नहा के आ चुका हूं, एंड मैं कह रहा था कि मेरी चोटी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इससे भी लंबी मेरी चोटी थी 2019 में, जब का मेरा गुरुकुल का जो फोटो आपने कम्युनिटी पोस्ट में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अगले ब्लॉग में दिखा दूंगा, आप लोगों को देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। तो चोटी काफ़ी लंबी हो चुकी है, एंड उसके बाद फिर अपने तैयार होकर मैं लग गया अपनी स्टडी करने में, एंड मुझे आंसर राइटिंग करनी है आज, और आंसर राइटिंग में पूरा टाइम लगा देना है मुझे, तो 11:30 और 12 बज जाएंगे पूरे, तो 12 बजे तक मुझे आंसर राइटिंग करनी है, उसके बाद फिर खाना खाना है। तो चलिए फिर आंसर राइटिंग को कंप्लीट करते हैं, एंड आप लोग आंसर राइटिंग डेली किया करो। मैं आंसर राइटिंग एनालाइज भी करता हूँ, जैसे टॉपर्स की आंसर राइटिंग देख लूँगा कभी कुछ इस प्रकार से, मतलब क्योंकि नॉलेज लेता रहता हूँ, एंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे आंसर राइटिंग पर काम करना चाहिए, तो आंसर राइटिंग कर ही रहा था कि टाइम 12:03 हो चुकी है एंड मैंने आंसर राइटिंग कर ली है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने आंसर राइटिंग की है, एंड डेली में करना स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखे मुझे, एंड मैं अपने आप को सक्सेस की तरफ राहों में चला सकूँ, एंड मुझे पता चले कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक। तो गाइस 12:05 हो चुकी हैं और मैंने आंसर राइटिंग पूरी कंप्लीट कर दी, एक पाँच आंसर लिखने थे तो मैंने 3 आंसर लिख दिए हैं। अब मैं खाना खा रहा हूँ क्योंकि खाना नहीं खा पाया आज मैंने, तो खाना खाते हैं, एंड खाने में रोटी सब्जी बस, एंड सलाद हो तो सलाद दे दें ना। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है वीडियो एडिट कर रहा मैं तब से, तो वीडियो एडिट करके मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो 12:30 बज चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी मिलेंगे, एंड वीडियो डेली 7:30 डेली आ जाएंगी सुबह, आप लोग देख के तब कहीं जाएं, एंड डेली वीडियो को अच्छे से देखें, वॉच करें एंड कमेंट जरूर करें बस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।